अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आई एम शुएब खान चांडिया। वेलकम टू शुएब चांडिया यूट्यूब चैनल। गाइस, एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में कई लोगों को पैसे मिल चुके हैं, लेकिन कईयों को अभी भी मैसेज नहीं आया है। और कई लोगों को कुछ इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि मसद माजद खां हैं, आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो गलत है। तो जिन लोगों को इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, उसका क्या मतलब है, क्या उन्हें भी पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या कुछ करना पड़ेगा, तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने शुएब चांडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। सो गाइस, जिन लोगों को मैसेजेस आ चुके हैं कि आप लोग जाके पैसे ले लें, 81-71 से अगर आपको मैसेज आए तो आप लोग चले जाएँ, आपको इंशाल्लाह पैसे मिल जाएंगे। बाकी कई लोगों को यही मैसेज आ रहे हैं कि आप नाअहल हैं, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो जिन लोगों को नाअहल वाले मैसेज आ रहे हैं, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो नया प्रोग्राम शुरू हुआ है एहसास लेबर प्रोग्राम, उसमें आप लोग अपनी दरख्वास्त जमा कर पाएँ, इंशाल्लाह आपको उससे पैसे मिल जाएंगे। तो उसके लिए दरख्वास्तें अभी जारी हैं, मेरे चैनल पर वीडियो भी मौजूद है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैसे आपने एहसास लेबर प्रोग्राम में दरख्वास्त जमा करवानी है। आप लोग उस वीडियो को देखें, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे आपने दरख्वास्त जमा करवानी है। अगर अभी तक भी आपने दरख्वास्त जमा नहीं करवाई है तो दरख्वास्त जमा करवा लें, क्योंकि ये पोर्टल कुछ ही टाइम में बंद हो जाएगा, मतलब कुछ दिन में, 5-6 दिन में ये पोर्टल बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने दरख्वास्त अभी जमा नहीं करवाई होगी तो फिर बाद में आप पछताएंगे, क्योंकि अगर आप इस वक्त एहसास वाले जो पैसे हैं उसका इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक आपने यहाँ पर दरख्वास्त जमा नहीं करवाई है तो फिर आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जल्दी से दरख्वास्त जमा करवा लें, अगर आपको इससे पैसे नहीं मिलेंगे तो उस वाले प्रोग्राम से आपको पैसे मिल जाएंगे। बाकी जिन लोगों को ये मैसेजेस आ रहे हैं कि बसद हम माजद खां हैं, आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो गलत है, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने नया शनाख्ती कार्ड बनवाए हुए हैं पिछले 1-2 साल से, तो उनका जो डेटा है वो नाजर के पास सही से नहीं जा रहा है या फिर एहसास वालों के पास वो डेटा नहीं जा रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप माजद खां हैं। उसका भी मतलब यही निकलता है कि आपको उससे पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, उसका भी यही मतलब है, 100% यही मतलब है। अगर आपको कोई कहता है कि इससे आपको फिर पैसे मिल जाएंगे या फिर आप ये कर लें वो कर लें फिर आपको पैसे मिल जाएंगे, नादरा दफ्तर में चले जाएँ फिर आपको पैसे मिल जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी आपने नहीं करना है, इसका मतलब साफ साफ यही है कि आपको अगर ये मैसेज आता है बसद हम माजद खां हैं, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर गलत है, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर आप नौजवान हैं, अगर आपने पिछले 1-2 साल से ही अपना शनाख्ती कार्ड बनवाया हुआ है, मतलब आपकी अभी उम्र हुई है शनाख्ती कार्ड बनवाने की, फिर भी जब आपका शनाख्ती कार्ड बन गया था फिर आपने रिक्वेस्ट डाल दी, है एहसास वालों को कि हमें भी 12,000 रुपये दे दें, तो अगर आपको ये मैसेज आ रहा है तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है आपको पैसे मिलने के। अगर आप बुज़ुर्ग हैं, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 35-40 साल आपकी उम्र है, या फिर आपने 5-10 सालों से पहले शनाख्ती कार्ड बनवाया हुआ है, फिर भी अगर आपको ये मैसेज आता है तो फिर आपके चांसेस हैं कि आप लोग नादरा में जाके अपनी वेरिफिकेशन वगैरह करवाएं ताकि आपको किसी आने वाले प्रोग्राम में पैसे मिल सकें। तो गाइज़, आज की वीडियो में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये बिल्कुल रियल और सही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। मज़ीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के बारे में या फिर जितने भी हुकूमत पाकिस्तान के नए प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं उनके बारे में, अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं या फिर आपको कोई परेशानी या प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई किया करेंगे और वीडियो भी बना के आपको बताया करेंगे कि क्या आपने करना है, कैसे आपने करना है। सो गाइस, आज की वीडियो में यहीं तक था, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।